हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू ICN। और अभी मैं हूँ महिंद्रा के पवेलियन पे, और हर साल की तरह इस बार भी महिंद्रा का पवेलियन बहुत सारे कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल से भरा हुआ है। और जिस कॉन्सेप्ट के साथ में मैं हूँ, इसे कहा गया है भारत की पहली कन्वर्टेबल SUV, महिंद्रा TUV स्टिंगर। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया की पहली कन्वर्टेबल SUV, दैट्स राइट, किसी भी इंडियन मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाई गई पहली कन्वर्टेबल SUV है। अगर ये प्रोडक्शन मॉडल में जाती है, अभी ये कॉन्सेप्ट है, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे जब इसका फाइनल वर्जन होगा, अगर कंपनी इसे लेकर आती है प्रोडक्शन में। बहुत ही पोलराइजिंग टाइप का डिज़ाइन है, कुछ लोगों को पसंद आ सकती है ये और बहुत से लोगों को पसंद नहीं भी आएगी। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इसके डिज़ाइन, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी लग रही है, अननेसेसरी कई जगह पर ट्रीटमेंट दिए गए हैं। कि आप अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो LEDs ऐड किए गए हैं, और ये जो ग्रिल है टिपिकल महिंद्रा वाली सिग्नेचर ग्रिल है। नीचे फॉग लैंप देखेंगे तो वो भी LEDs हैं। साइड अगर प्रोफाइल देखेंगे तो साइड प्रोफाइल में क्लैडिंग होगी, वो दिखाने की कोशिश की, और ये क्लैडिंग नहीं है, उस पर कुछ अलग तरीके से ग्राफिक्स ऐड किए गए हैं। और बहुत ही स्ट्रेट सा डिज़ाइन है जो कि टिपिकल SUVs वाला होता है। और जो पोर्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया है वो है इसका रियर प्रोफाइल। अगर आप इस एंगल से इसे देखते हैं तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बिजी लग रही है, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ किया गया है। लोअर पोर्शन की बात कर लीजिए, LEDs, यहाँ पे टायर एकदम से कहीं पे निकल के आ रहा है, और ये जो पोर्शन उभर के आ रहा है ये बहुत सीमलेस नहीं लग रहा है। जहाँ तक इंजन ऑप्शन की बात है तो इसके साथ में mHawk 2 लीटर का इंजन मिलता है, वो वही महिंद्रा का इंजन है जो बहुत सारी कार्स को पावर करता है उनकी, और ये 140 BHP की मैक्सिमम पावर देता है। फाइनल मॉडल में क्या होगा, अगेन अभी कहना थोड़ा जल्दी होगा। बात करते हैं इसके कैबिन की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक 4-सीटर कन्वर्टेबल है। ऑल्दो जो रियर सीट्स लग रही हैं वो थोड़ी सी कंजेस्टेड हो सकती है, पर अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट लाइक है। अगर आप सेंटर कंसोल की देखेंगे या डैशबोर्ड पे देखेंगे तो आपको मेनली एक बड़ी स्क्रीन दिखेगी वर्टिकल साइज में, वो है TFT डिस्प्ले है, और बाकी सब कॉन्सेप्ट लाइक है। एक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। ये है वो सारे फीचर्स जो आपको अंदर देखने को मिलेंगे। सो दैट्स इट पीपल ऑन महिंद्रा TUV स्टिंगर। यू टेल मी इफ यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया या ना पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।